पहले सबसे पहले क्योंकि आप मेरे पिताजी के उसमें हम बिल्कुल आपको चैनल देख के हम बहुत खुश हैं। आप मांगे मेरे चैनल पे क्या देखते होंगे हमको नहीं समझ में आ रहा मेरे चैनल पर कुछ वो चीज समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम तो वैसे यूट्यूबर्स पे देखते हैं इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपको ईबे अच्छा ईबे के बारे में इसमें आपको बहुत कैसे कॉन्टेक्ट में हम मालूम नहीं होता उसको अगर आप बेचते हैं तो ज्यादा बिडिंग सिस्टम रहता है ना आपके गोली जैसे लगाया तो उस पर ज्यादा चांसेस रहते हैं पैसे कमाने का बहुत लोग ऐसा बिजनेस करते हैं इस चीज का लेकिन अभी ये बहुत अच्छा बहुत लोग अर्न कर रहे थे इससे लेकिन अभी क्या हुआ ना जब GST आ गया है तो थोड़ा सा मतलब जो कस्टम ड्यूटी होता है उसमें चेंजिंग हुआ है जिसकी वजह से ऐसा रूल बना दिया गया है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा कि आप एंटीक चीज को ना बेच नहीं सकते उस तरीके से आउट ऑफ इंडिया नहीं बेच सकते तो अभी जितने लोग अभी ईबे के यूज करके अर्न करते थे वो नहीं कर पा रहे उस चीज से आप नहीं बेच पाएंगे आप जो नॉर्मल चीजें आप बेच सकते हैं उसको बिडिंग पे लेकिन नॉर्मल चीज जो इजिली मिल जाएगा उसको बिड कौन करेगा ये सवाल है ना समझ रहे हैं ना वो प्रॉब्लम है तो वो आप नहीं कर सकते आप जैसे अब 1,000 करोड़ बंद हो गया मे बी आज तो नहीं लेकिन 10 साल के बाद में इंटरेस्टेड होंगे लोग तो उस पर आप इंडिया में क्या कर सकते हैं लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जी मैंने खुद किया था तो आगे सब रिटर्न आ गया था पहले से हम आपको फॉलो करते हैं हाँ मैं बहुत पहले वो वीडियो बनाया था और कुछ अंकल जी नहीं तो नहीं है आपको फोन नंबर कमेंट करते हैं नंबर बारह हो जाएगा भाई का हमने नंबर ही अलग है क्या नाम है बस इस पर बैठिए आप सबसे पहले खाइए मेरे साथ खाएंगे हम लोग सर छोटा यूट्यूबर सर दो एडसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा बहुत
नहीं नहीं होगा क्योंकि आप इलीगल वहाँ पे आ गए हो गए क्योंकि देखिए कहता है कि एक इंसान को एक ही एडसेंस होना चाहिए ठीक है रूल के हिसाब से लिखा हुआ है आपने चीट किया वहाँ पर दो बनाकर है ना दो बनाया अपने ही नाम से अलग भले ही एड्रेस आप डाल दिया तो समझ गया कि भाई अलग अलग मंगल पे की है वही आप अगर सेम एड्रेस डालते हैं एड्रेस सेम डालते हैं लेकिन अपने पापा का नाम डालते हैं एक और दूसरा आप डालते हैं कोई दिक्कत मैं खुद अपने मेरे पास 3000 अकाउंट है मेरे पिताजी का नाम था वाइफ का नाम था और मेरा खुद का नाम था मैं एक ही कंप्यूटर पर हमेशा यूज करता हूँ एक चीज ये भी कर रहा है पिताजी भी कर रहा है ये थोड़ी बना है ना लेकिन आप ये चीट की ना सिस्टम को अलग एड्रेस डाल दिया लेकिन ठीक है ना ये चीट हो गया ना वहाँ लेकिन एक सिस्टम पे दो अलग अलग नाम से होना चाहिए नाम भी नहीं होना चाहिए सर वीडियो कॉल एक भी कमेंट नहीं जो फाइनल वीडियो है ऑन कर देंगे
जितना कम दे सके दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद आप देखिए ना बहुत से लोग हैं। अगर आपका लग रहा आप पार्ट टाइम से शुरू कीजिए, है ना, बिल्कुल पार्ट टाइम से शुरू कीजिए, अगर वो लग रहा है तो वो चल जाएगा, तो फिर आप उसे फुल टाइम चेंज कर लीजिए, फिर मेहनत कीजिए। ये यूट्यूब ऐसा ही है, हम देखे ना कि बहुत लोग जी चल रहा है, बहुत कुछ लोग बिना फालतू क्वालिटी का वीडियो डालते अच्छा ग्रो कर ले रहे हैं। सबसे पहला जरूर सीरियसली शुरुआत सीरियसली मत कीजिए, कभी सीरियसली नहीं कीजिए, कभी स्टूडेंट है तो आप बिल्कुल चाहे कोई भी है, आप उसको पार्ट टाइम में ही हल्का हल्का लेकर या तो दो तीन चैनल स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, उससे लाइटिंग वर्क कीजिए बहुत सीरियसली नहीं, लेकिन अच्छा काम कीजिए, आपको ध्यान रखना होगा वॉच टाइम मिले उसमें, वॉच टाइम लाइक्स लोग करें उसे तो ही मतलब वायरल होगा वीडियो, और जब ग्रो कर जाएगा जो चैनल ना उसी जब एक बार वीडियो वायरल होता है ध्यान वीडियो और दो तीन और डालना चाहिए, बैठिए ना सर, जितनी बोली सर बैठिए सर, हम लोग बैठ जा रहे हैं, सर वीडियो डाल रहा है दो दिन बाद ये लोड लगा रहा है, 1000 से ऊपर व्यू है सर, 40,000 व्यू, फिर भी उसमें दो दिन हो गए रिव्यू कर दिए, फिर भी अभी तक नहीं हुआ है, वो येलो डॉलर ही सर, कुछ ऐसा निकालिए ना सर जो हम लोग में नहीं आ रहा, जो ट्रेंडिंग पेज में आता है ना घटिया घटिया वीडियो, कुछ हम लोग नहीं कर पाए कि वो हटे, ज्यादातर नींबू और केला सर आता है ट्रेंडिंग पेज में, क्या करें, अच्छा वीडियो बनाओ तुम्हारा वही तो बोले नींबू और केला ज्यादा ट्रेंडिंग पेज में आ रहा है, इनो से सागर के पास अब सागर से तो बात हुआ है, सागर अभी मार रहे हैं, देखिए आप जाएंगे तो बताएंगे कि सागर सर का बहुत है, पता नहीं क्या रियलिटी है, वो तो बोल रहा है मतलब मुझे स्पाइक आ जा रहा है थोड़ा, गौरवजन तो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, उसको कभी नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, उसको हम दो घंटे बात करके समझाया, बहुत बहुत समझाया उसको, समझा तो थोड़ा ट्रेन में मिला नहीं सीट, फ्लाइट के ले लिए, फ्लाइट में डायरेक्ट देख रहे थे बनारस से उड़ने के लिए, तो फेयर 15,000-14,000 का आ रहा था, तो मतलब कलकत्ता से देखें वाया कलकत्ता तो सस्ता हो गया, मतलब 7,000-8,000 पड़ा जाते और प्रॉब्लम्स बताई हमें पेमेंट, सर सबसे बड़ा थैंक यू सर कोलकाता आने के लिए, पेमेंट रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, $16,000 का मार्केट है।
यूट्यूब भी मेरा उसी से इसी वजह से डिसेबल है बिल्कुल कनेक्ट होगा बिल्कुल नहीं हो रहा है सर यार मैं काट लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन का हां मुझे पता नहीं था हमको पहली बार नहीं पता था एक महीने के बाद झेलना पड़ा और एक साइड इवेंट ब्लॉगिंग क्योंकि बंगाल जी आ रहे हैं तो 25 लाख करीब 26 लाख करीब ट्रैफिक आ रहा है तो उसमें अच्छा मतलब इनकम होने का चांस है क्योंकि मेरे आसपास तक क्लियर है सर पूरी मतलब 10 साल से कर रहे हैं तो पहले कभी पहले कभी इवेंट ब्लॉगिंग करके आपने किया पहली बार कर रहे हैं बोल रहा हूँ कि मतलब देखिए आप पी आर कुछ नहीं होता है आपको इलेक्ट्रा रैंकिंग की जरूरत है आप पहले होता था पी देखिए आपको जरूरत है ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने दिन बाद वो इवेंट है वो आपके तो वो देखिए उसका तीन मतलब चार पांच मतलब टाइम में वो ट्रैफिक आता है एक बैटरी का निकलता है जब एग्जाम होता है और उसके बाद जब रिजल्ट निकलता है तो वो टाइम में बहुत सारा मतलब जून और मई तक बहुत ट्रैफिक आता है जून में तो तीस टाइम रहता है तो उस पर अच्छा सा वर्क कर लीजिए थोड़ा बढ़िया सा डिजाइन दिख रहा आर्टिकल और एक एक डोमेन भी खरीद लो मतलब वही नेम का डोमेन खरीद लो बढ़िया बढ़िया सब कुछ ठीक है अब उसे काम के लिए 20-30 कम से कम 30-40 पोस्ट कीजिए 40 पोस्ट और देखिए सब सब सर्च करके पहले जो आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं है ना उनको देखिए कहाँ कहाँ से बैकलिंक मिला हुआ है ठीक है बैकलिंक से किया प्रोफाइल गूगल में मेरा 8 नंबर पे एसईओ प्रोफाइलर करके एक साइट है उसमें आप देखेंगे तो बताएगा वो कहाँ कहाँ से बैकलिंक उनको मिला हुआ है कोशिश कीजिए वहाँ से आप बैकलिंक ले लीजिए ठीक है और मेन वही बैकलिंक है थोड़ा जो इंटरनल उसका ऐसे ही होता है ना ऑफ ऑन पेज जो होता है वो कर लीजिए बस यही है अगर ठीक ठाक करेंगे तो आया इवेंट पॉइंट में तो मतलब आप पूरा साल भर में कुछ अर्न किया वो अर्न कर लेंगे तो दो तीन दिन में बहुत बढ़िया काम ट्राई कीजिए ठीक है ओके सर आपका चैंपियन वो कब आ रहा है फटाफट नहीं करते बार बार नहीं चाहते कम है तो बार बार रिव्यू नहीं करना चाहते हैं बार बार गलती कर रहे हैं अगर दो बार ज्यादा करते हैं तो ऑफलाइन में डाल देते हैं ऑफलाइन हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं करते अगले दिन आ जाएंगे पोस्ट लिखे नहीं वो नया फिर नया लेकिन दो बार आप गलती करेंगे तो ऑफलाइन कर रहे हैं आजकल ठीक है जी जी बैकलिंक क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साइट से है ना बहुत ज्यादा कंटेंट लिखिए बहुत ज्यादा मत लिखिए मतलब डेढ़ डेढ़ लिखना जरूरी नहीं है लेकिन दो दिन एक दिन अगर कंटेंट लिखते हैं जनरल तो एक दिन उसको अगले दिन या दो दिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दीजिए ठीक है उसका जो टैग्स होते हैं टैग्स मीटा टैग्स वगैरह हो गया बैकलिंक जो है कुछ कहीं पर टैग रखिए सब कुछ कीजिए ठीक है ब्लॉग पोस्ट कीजिए कहीं पर कॉमेंट के थ्रू भी कर लीजिए जैसे भी हो दूसरा नहीं करना आपके नाम से मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ब्लॉगिंग करना चाहता है और चैनल कुछ गलत कर रहे हैं सर इधर भी दिखाइए सर फिर से इधर से सर इधर सर घूम जाइए पूरा ठीक है सर घूम जाइए
सर मीटअप का वीडियो बनाए हैं आप? नहीं नहीं आपको पहले गए अपन डाल लेते हैं। ठीक है सर। अरे वाह का महंगा है यार। बात करने नहीं है आप जैसे बुरा लग रहा है।